हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स माई दृष्टि गोयल एंड टूडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन टैट दैट इज टिप्स टू इम्प्रूव योर टैट एंड प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने अभी तक भी टैट का प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड व्हाट इज टैट एंड हाउ इज इट कंडक्टेड अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिस समैक्टिस दैट वीडियो ऑल्सो यू कैन सी एंड हेयर वी विल चेक हाउ यू कैन इम्प्रूव अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिस ओके सो जल्दी से हम लोग बढ़ेंगे टैट की तरफ और उससे पहले मैं आपको बता दू कि टैट जो है आपका वेरी फर्स्ट टास्क है इन योर साइड टेस्ट ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वेल रिटर्न बी इंक्लूडेड ठीक है सो सबसे पहले आपको पता है कि थर्टी सेकेंड्स के लिए पिक्चर विल बी शोन एंड दैट यू नीड टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली तो उसके बाद आप अपने माइंड में ही एक बेसिक थीम और बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो फॉर योर स्टोरी विच शुड इंक्लूड बैकग्राउंड ऑफ योर मेन कैरेक्टर सबसे पहले आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स यू विल अलाइन योर सेव टू वन ऑफ द कैरेक्टर

ठीक है यू वॉन्ट टू गो फॉर अ ट्रिप वाई यू कैन गो फॉर एंजॉयमेंट यू कैन गो फॉर सम फ्रेशनेस और कुछ भी हो सकता है यू वॉन्ट टू गो फॉर एक्सप्लोर द प्लेस बट देर शुड बी रीजन कि आपने वही गोल क्यों लिया है ठीक है देन एक्शन टेकन बाय योर हीरो टू अचीव दैट सो दीज एक्शन शुड भी वेरी इंपॉर्टेंटली कवर ठीक है सो वन लाइन फॉर योर बैकग्राउंड वन लाइन फॉर योर गोल एंड द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर गोल एंड देन थ्री फोर लाइन्स मोर फॉर योर एक्शन दैट हाउ योर मेन कैरेक्टर हैचीव द पर्टिकुलर गोल एंड लास्ट वन और टू लाइन फॉर दंक्लूजन आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ दी इज वेरी मच क्लियर अभी गोल की अगर बात करेंगे तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स ठीक है अगर आप रियल लाइफ में भी कुछ भी कर रहे हो देर कैन बी ओनली थ्री केसेस फर्स्ट वन इज यू आर डूइंग इट ऑफ यूर ओन विल दैट इज सेल्फ इंड्यूज गोल ठीक है आपका मन था आपने खुद ने एनालाइज किया आपको करना था कुछ यू डिडिक ठीक है दूसरा हो सकता है कि somebody of higher authority असाइन that work, आपके पेरेंट्स ने असाइन कर दिया आपके टीचर्स ने असाइन कर दिया आपके सीनियर ने कर दिया एनीबडी ठीक है अगर आपने आपको किसी और ने बोल दिया वो काम करने को तो दैट विल बी योर असाइंड गोल एंड थर्ड वन इज समबडी केम फॉर हेल्प है ना कोई आ गया और उसने आपसे हेल्प मांग ली कि कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी सो दैट विल बी थर्ड गोल ठीक है तो यही तीन वे में आपका गोल डिफाइन हो सकता है ओके ऑल्सो ट्राई टू डिफाइन यूर गोल इन सच अट इट बी टाइम बाउंड प्रैक्टिकल एंड अचीव ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो मुझे पढ़ाई करनी है एग्जाम्स है किसी को नहीं पता कब है एग्जाम्स कितना टाइम बेटर है कि आप बोलो कि विद इन थ्री मिनट यू हैव एग्जाम एंड यू वॉन्ट टू स्टैंड फर्स्ट इन द्लास तो आपने अपने गोल को डिफाइन कर दिया है सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गिव दोप्रिएट इनपुट इन टू एक्शन ओके I hope ये क्लियर है आपको नाउ वी विल गो एज पॉसिबल इन दिक्चर ये गलती मत करना कि 30 सेकेंड्स के टाइम पे ही आप स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दो बिकॉज आफ्टर थर्टी सेकेंड पिक्चर विल बी वैनिश अवे आप दोबारा नहीं देख पाओगे पिक्चर को ठीक है Think and formulate a story एंड देन राइट इट यू कैन utilize extra टेन फिफ्टीन seconds. आप सोच लो पहले फिर लिखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिखना स्टार्ट कर दिया फिर आपको डाउट आ गए कि नहीं ये नहीं ये लिखना चाहिए था इट्स बेटर टू गिव टाइम टू योर थिंकिंग उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे तो विदिन इन इवन थ्री और थ्री एंड हाफ मिनट यू कैन इजिली कंप्लीट द स्टोरी अगर आपका आइडिया प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड है तो ओके ब्रिंक आउट दॉजिटिव एंड हैप्पी पॉइंट इन दी एंड ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिविटी बेसिकली वट वी मीन टू से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नेगेटिव दिखाया तो आप जबरदस्ती उसे पॉजिटिव कर रहे हो या फिर कुछ पॉजिटिव दिखाया तो आप जबरदस्ती उसे नेगेटिव कर रहे हो नो no. मेक श्योर sure दैट चाहे पिक्चर नेगेटिव हो ठीक है अज्यूम इट टू बी नेगेटिव लेकिन आपका जो एंड रिजल्ट है दैट शुड बी पॉजिटिव ठीक है आपका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव आना चाहिए ठीक है जो आपने टास्क असाइन किया है अपने मेन कैरेक्टर को वो अचीव हो जाना चाहिए ओके देन मेक योर स्टोरी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एंड विद अ विद्योर आउटकम प्रैक्टिकल से क्या मतलब है अगर रियल लाइफ में आप उस टाइप के सिचुएशन में कभी स्टक हो गए हो देन यू कैन टेक दो स्टेप्स एक्चुअली इन योर लाइफ एंड कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन So, वो वही वाले टाइप के स्टोरीज आप लिखना ट्राई टू रिलेटेड विद योर रियल लाइफ एंड उससे रिलेटेड लिख लो योर स्टोरी शुड कंसिस्ट ऑफ मेन कैरेक्टर बैकग्राउंड सिचुएशन अदर कैरेक्टर अप्रोप्रिएट एक्शन एंड आउटकम्स डोंट मेक योर मेन कैरेक्टर टूट अकेले सब कुछ कर लिया है ना अकेले नहीं कर सकता यूज द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो विच आर शोन इन द पिक्चर टेक हेल्प फ्रॉम देम है ना उसके हेल्प से आप टीम बनाओ आप फिर काम करो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट ओके डोंट फील स्ट्रेस बी काम थिंक प्रोपरली एंड देन राइट ठीक है ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख रहो कामली आप सोच के लिखोगे तो अच्छे से लिख पाओगे ऑल्सो प्रैक्टिस 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 एज प्रैक्टिस इज द की एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज राइटिंग ठीक है टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो राइटिंग बिगड़ सकती है सो प्लीज राइट कामली कि आपकी राइटिंग एटलीस्ट इट शुड बी एलिजिबल नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिस दिस इज वेरी फर्स्ट पिक्चर यू विल गेट थर्टी सेकेंड सो यू कैन पोज अ वीडियो ऑब्जर्व इट एंड राइट योर ओन स्टोरी है ना मीन वाइल भी आप देखो कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है सो हेयर वी कैन सी द माउंटेन्स है ना

ठीक है कुछ भी हो सकता है आपके माइंड में जो भी आएगा सबसे पहले रिगार्डिंग द बैकग्राउंड एंड द कैरेक्टर आप लिख सकते हो ठीक है so, सो यहाँ पे देर इज अल स्टोरी विच यू कैन ऑल्सो सी लेकिन डोंट थिंक कि यही एक फाइनल स्टोरी हो सकती है मेक स्टोरी ऑफ योर ओन ठीक है राजेश और ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड रेजिडेंस रेजिडेंट ऑफ डल होजी हैज बीन वेरी आउट गोइंग इन ऑल एस्पेक्ट ही ऑब्जर्व दैट मेनी पीपल वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन प्लानिंग ट्रिप्स so he decided to open his own website along with his friends called travel planner which can be freely accessible by everyone he did proper research and explored some of the places himself and mentioned all the informations of hotels adventure activities based on place and the nature of expenses involved he even put suggestions for unexplored tracks and waterfalls in those areas and with time keep and with time keep on adding new locations

अभी क्या करते ना इसको लेटा हुआ देख के पीपल कैन अज्यूम दैट ही बट हेयर यू नीड टू द पिक्चर वेरी क्लियरली इफ ही वुड है हो सकता है ना ऐसे थोड़ी रखेंगे एंड इवन वी नॉट सी दैट पीपल आर क्राइंग एनी वेयर some समाइप टाइप ऑफ mohol इज देयर वेयर यू कैन सी दैट somebody is died ठीक है तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है पिक्चर में तो जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है ओके नाउ ऑल्सो वी कैन सी दिस पर्सन इज हैविंग द टिफिन बॉक्स विद हिम एंड एवरीबडी इज इन फॉर्मल अटायर इट मीन दैट पीपल आर गोइंग ऑन फॉर देर वर्क है ना एंड वी कैन सी दैट मीन वाइल दे वाइल गोइंग दे सो समी फेंटेड आउट है ना फेंट हो सकता है कोई या फिर आप कोई फैक्ट्री का सीन अज्यूम कर सकते हो जहां पे कोई फेंट हो गया कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो बट आप एक्सट्रीम मत करो कि वो मर गया देर आर डिक देर वर इंक्रीज केसेस ऑफ हीट स्ट्रोक वन डे वोइंग टू ऑफिस राहुल एंड आई टी प्रोफेशनल सो अर्सन गोट fainted due to dehydration. He, with the help of ऑफ people, laid him in a cool place. under a shade, wiped him with a wet cloth, washed the body frequently and poured a normal temperature water on the head. He also gave him the lemon water to rehydrate and drop him uh, to the nearby hospital. As these cases are increased in his area, Rahul increased awareness among the people regarding precautions like wearing light weight uh, lightweight and light coloured, loose and porous cotton clothes using protective goggles, umbrella, hat, शूस और चप्पल आउट इन सन एंड टू अवॉइड वर्किंग आउट ड्यूरिंग डे टाइम ही हाइड्रेटेड एंड सेव मेनी पीपल फ्रॉम हीट स्ट्रोक ठीक है यहां से क्या पता चल रहा है रिसेंट है कंट्री है ना अभी आपको पता है कि ड्यूरिंग समर सीजन मेनी केसेस रिगार्डिंग हीट स्ट्रोक वर सीन तो आप देख सकते हो कि उस टाइप के राउंड आप कुछ बना सकते हो अदरवाइज यू कैन टेक एनी अदर इश्यू ऑफ योर ओन ठीक है बट प्लीज ट्राई टू राइट द अप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग द इशू हाउ यू कैन ओवरकम इट ओके नाउ कमिंग अप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पिक्चर सो दिस इज योर थर्ड पिक्चर एंड हेयर अगेन यू कैन ऑब्जर्व इट फॉर 30 सेकंड एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी सो हेयर फिर ऑब्जर्व दिक्चर आप देख सकते हो कि हेर इज अन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिररर है फोर्मल कोट एंड पैंड ऑल्सो दिस पेंटिंग ऑन द वो ठीक है तो पता चल रहा है घर का ही सीन है, है ना ऐसे टाइप का मिरर तो बाहर नहीं मिलेगा आपको दिस इज अ ड्रेसिंग मिररर राइट सो आपको uh, पता चल रहा है कि दिस इज होम प्लेस है ना और पर्सन इज इन द फोर्मल तो हो सकता है कोई ऑफिशियल uh, मीटिंग हो सकती है कोई इंटरव्यू हो सकता है कोई सेमिनार हो सकता है एनीथिंग आप वैसा कुछ भी अज्यूम कर सकते हो इट्स अप टू यू ठीक है सो so, यहाँ पे आई शो यू वन सैम्पल पिक्चर लेट अस सी। सो अर्जुन वाज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक इन दून यूनिवर्सिटी ही सैट फॉर कॉलेज प्लेसमेंट इन एंड क्लियर द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ही वाज़ हैविंग हिज पर्सनल इंटरव्यू he prepared for the interview from youtube he brushed up his technical knowledge gave mock interview to his friends and also took guidance from his seniors he got his formers ready and groomed himself properly he was little anxious so prepared for his introduction in front of the mirror and attended the interview he kept calm and answered all the personal questions and the technical questions confidently interviewers were satisfied with his performance and he got selected for the post of web developer he felt very happy and even guided his friends in their preparations. So, this is how you can simply write a story that is very much practical and definitely everybody can relate with the story, right? I hope you understood If you are still facing any difficulty in tag related stories, you can definitely log into our SSB online course where you will find very good content regarding the all the processes which will be going uh, uh, going to take place in your ssb ticket, which will be covering your oir your ppd your psych test personal interview group task conference medicals even we are taking your live classes where we will be having one on one interaction with all of you and we'll tell you about the success stories personal guidance and ssb trends okay along with that we are also helping you in preparing for the written examinations so for that also you can enroll along with that you can apply the code warrior 10 for extra 10% discount

एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं